हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आकांक्षा खत्री और मैं कर रही हूँ आपका स्वागत हमारे शो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल प्रेजेंट्स पिकल्स ऑफ इंडिया सीजन टू। सीजन टू है इस सीजन, खास ये है कि हम गए इंडिया के 29 स्टेट्स में और वहाँ से ढूंढ के लेके आए आपके लिए 29 टैलेंटेड होम शेफ्स जो यहाँ आएंगे और आपको सिखाएंगे 29 अनोखी पिकल की रेसिपी। तो चलिए बुलाते हैं हम हमारे आज के होम शेफ को जो हैं विशाल और वो हैं छत्तीसगढ़ से, तो उनका स्वागत करते हैं। विशाल वेलकम। हाय आकांक्षा। हाय विशाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो आज हम क्या बनाने वाले विशाल? सो आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। ओके। और ये खट्टा मीठा आम का अचार है, बहुत सिंपल रेसिपी है, मम्मी की रेसिपी है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे कच्चे आम और अब इसको मैरिनेट करना है हमको। विल स्टार्ट विथ हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक, आम के हिसाब से। और हल्दी लेने के बाद हम लेंगे सॉल्ट। ओके। जो भी वाटर कंटेंट है इसके अंदर, हाँ, वो निकाल देता है सॉल्ट। हाँ जी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी इसमें सॉल्ट और टर्मरिक हमने मिक्स कर दिया है। अभी इसमें, जैसे मैंने कहा, टाइम बचाने के लिए हम अवन में इसको डाल के, यू नो, पूरा मॉइस्चर इसका, हम इसको ड्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है। okay. तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि विशाल ने यहाँ बताया कि हमने ऑलरेडी हमारे आम को ड्राई कर लिया था अवन में, बट अगर आप इसे ट्रेडिशनल वे में बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे बड़े लोग बनाते थे, तब आपको इसको धूप में रखना होगा लगभग 4 से 5 घंटे या एक दिन के लिए, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए बाहर। और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसमें से पानी पूरा निकल चुका है, ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है। ओके। तो अब हम तड़का लगाएंगे। ओके। सो वी विल नीड अ पैन। ओके। तो ये पैन है और मैं गैस ऑन कर देती हूँ और ये गैस स्टेशन आपका, मैं उधर आ जाती हूँ। सो बी स्टेप वन, हम तेल लेंगे। ठीक है। एंड टुडे वी आर यूजिंग इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इसलिए क्योंकि इट इज़ वेरी, इट्स रिच इन विटामिन ए डी एंड ई एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ, और साथ में चीज़ें टेस्टी भी बनती है कुक करो तो। अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए विल वेट। ठीक है। अभी जैसे प्रॉपरली गर्म हो गया लगभग, तो वो जो टिपिकल जो महक है मस्टर्ड की, अब वो आ रही है। और धास है तभी तो खास है। और आपको पता है मार्केट में जितने भी मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल इज द प्योरेस्ट। तो अभी ये काफ़ी गर्म हो चुका है, गैस थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे राई, सबसे पहले मस्टर्ड, क्योंकि मीठा अचार है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ इसमें मस्टर्ड नहीं डालना है, थोड़ा सा बस, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके। थोड़ा सा हींग, ये भी बस एक पिंच डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इंडियन मसालों में मेरा तो फेवरेट हींग है, तो मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू, महक भी आ रही है अभी इसकी। सौंफ हम थोड़ा डालेंगे। ओके। जीरा, अब थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। तो हम ये सारे मसाले ऑलरेडी हमारे ड्राई रोस्टेड हैं, हाँ, राइट? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब मसालों को हमने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट किया है, उसको उसको ग्राइंड किया है जी। बहुत फाइन ग्राइंड नहीं करना है उसको, थोड़ा रफ रखना है। ओके। तो वो टेक्सचर जो फिर अचार पे आएगा वो थोड़ा रफ आएगा, अच्छा लगेगा वो। पीला मस्टर्ड, अब इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी डलेगी। खट्टा मीठा कर रहे हैं जी, तो हम अचार का जो एक्चुअल फ्लेवर, उसका खट्टापन, वो हम नहीं लूज कर सकते। बिल्कुल। अब हम डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। ओके। रॉक सॉल्ट। अब हम इसमें डाल देंगे अपने आम। ओके। जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है जी, मैरिनेटेड होके। तो बेसिकली अभी हमें सारे मसाले को कोट कर देना है हमारे आम में। हाँ। और जो बचा कुचा मॉइस्चर होगा वो भी चला जाएगा इस प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा ये अचार की कैटेगरी में जा रहा है आम धीरे धीरे, और वो जो अरोमा है हमारे इंडियन स्पाइस का, वो भी सारा इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सोच सकते हैं बहुत ज्यादा तेल होता है अचार में, बट ठीक है, हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। इमामी का मस्टर्ड ऑयल ये काफी हेल्दी भी है। बिल्कुल। तो ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अचार की ऑथेंटिसिटी तो रखनी ही है। बिल्कुल। कम तेल में हो नहीं सकता, ये प्रिजर्व होके रहता है, बहुत लंबा चलता है। इसमें थोड़ा सा हम विनेगर डालेंगे। विनेगर भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। बिल्कुल। और ऊपर से क्या है, ये ऑलरेडी खट्टा है, गुड़ से मीठापन आएगा, विनेगर बैलेंस करेगा। तो हमें कितनी देर इसको लगभग पकाना है? हमें ये ऑलमोस्ट नरम तो हो चुके हैं ऑलरेडी, चीजें पक चुकी हैं, ज्यादा देर नहीं पकाना है इसको, बस ऑलमोस्ट वी आर डन। अब हम उसका कलर भी चेंज हो गया इसका। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन नाउ जी। नाउ वी विल स्टार्ट विद गुड़। ओके। इसको मैं साइड में रख देता हूं। ठीक। तो गुड़ के लिए आपको एक और पैन चाहिए? हां, विल आई नीड अनदर पैन। तो ये आपके लिए पैन, मैं गैस ऑन कर देती हूं। सो अभी
तो अभी ये बस गर्म हो रहा है, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे थोड़े। ओके। तो ये गुड़ हमने ऑलरेडी छोटे पीसेस में करके रखा है जी। इसको हम बस इसमें डालेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए इस पे। इसको एक्चुअली कुछ लोग शक्कर में भी करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इसको अगर हम गुड़ में करें तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल। एक ब्राउनिश कलर का टेक्सचर डेवलप होगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ओके। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, एक कप पानी इसमें डालते हैं हम, बस जितना कि मेल्ट हो जाए, इतना कि उसको मेल्ट हो जाए बस। तो अब हम देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कैरमलाइज हो गया है। पानी ने एक्चुअली थोड़ा हेल्प किया इसको करने के लिए, बट अभी पानी भी काफ़ी कम हो चुका है, अभी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ओके। ठीक है, सो अब हम एकदम सिम कर दिए हैं इसको। ठीक है, जो हमने ये आम का ये बनाया हुआ है, नाउ विल ट्रांसफर इट इनटू दिस, पूरा ऑयल के साथ, पूरे जितने सब चीज़ों के साथ। तो अभी हम इसे मिक्स कर देंगे। हाँ। ताकि हमारा गुड़ और आम मिक्स हो जाए, अच्छे से कोट हो जाए। बिल्कुल, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। हाँ, तो अभी हम गैस बंद कर दें। हाँ, अब हम गैस बंद कर देंगे। ठीक है, एंड वी विल अलाउ इट टू कूल। ओके। जब ये कूल डाउन होगा जी, वो जो स्वीटनेस है गुड़ का, वो इसके अंदर जाएगा। तो कांक्षा, वी कैन सी कि ये ऑलमोस्ट हो गया है, ठंडा भी हो गया, और इसका लुक एट द थिकनेस। सो नाउ दिस इज रेडी, एंड आई थिंक अब इसको पोर कर लेते हैं जार में। ठीक है, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया इस समय। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में, जब ये कुछ देर और जार में रह जाएगा जी, तो ये प्रॉपर और ज्यादा खट्टा मीठा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल, अपनी मॉम की रेसिपी यहाँ पे हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू कांक्षा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। थैंक यू। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी यूट्यूब चैनल। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए होम शेफ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।